हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक एजुकेशन यानी कि शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम, जिसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जो हमारी आत्म मुक्ति है, आत्मदर्शन है, जिसके माध्यम से किया जा सकता है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं शिक्षा की, जो कि कुछ समाजशास्त्रियों ने दी हैं, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि दुर्खीम ने कहा था कि बच्चों को भौतिक, बौद्धिक, नैतिक शिक्षा देना ही एक तरीके का शिक्षा कहलाता है। सामाजिक समरूपता इससे स्थायी रूप से बनी रहेगी। मीन्स की दुर्खीम का मानना था कि अगर शिक्षित समाज होगा तो समाज में समरूपता ज़्यादा होगी, वहाँ पे जो ये स्तरीकरण और डिवाइडेशन, ये जो हायरार्की, ये सब चीज़ें हैं, ये कम हो जाएंगी। टी रेमंट ने कहा था कि बचपन से प्रौढ़ावस्था तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और हम सीखते क्या हैं, पर्यावरण से अनुकूलन करना। मीन्स कि हम अपना जो एटमोसफियर है उससे अनुकूलन करना सीखते हैं, यही हमारा एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू टी रेमंट। थॉमसन ने कहा था कि मनुष्य में उत्तम गुणों का विकास करना ही एजुकेशन है। मीन्स कि ऐसे गुण आ जाएं इंसान के अंदर जो कि उसको एथिकल बिहेवियर करना सिखाएं, उसका आत्म प्राप्ति हो उससे, तो उसे ही हम एजुकेशन कहेंगे। अल्थुसर ने कहा था कि अधिसंरचना का भाग ही शिक्षा है, जिसके द्वारा श्रम शक्ति का पुनरुत्पादन होता है। मीन्स कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो शिक्षित हो जाते हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं वो शिक्षित नहीं हो पाते हैं और वो पुनः श्रमिक ही बन जाते हैं, ऐसा अल्थुजर का कहना था। पार्सन्स ने कहा था कि शिक्षा समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी है और ये समाज में मूलभूत मूल्यों की इकाई एक तरीके की स्थापना करती है। मीन्स की पार्सन्स का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही समाजीकरण होता है और इसी के माध्यम से हम मूल्यों को सीखते हैं, मूल्यों को आंतरिकृत करते हैं, जो कि हमारा एजुकेशन है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था सर्व शिक्षा अभियान, ये शुरुआत आपका 2001-2002 में। इससे 2010 तक ऐसा एक टारगेट रखा गया था कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता दी जाएगी। तो आई होप ये इम्पॉर्टेंट कुछ था जो मैंने आपको बताया है। बाकी आप अरिहंत की बुक से पढ़ लीजिए, आपको बहुत बेटर रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।